देखें आखिरी ओवर में क्या क्या हुआ था। चेन्नई और कोलकाता के बीच खेले जा रहे आईपीएल 2018 के पांचवें मैच में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसेल नाबाद 88 रन 36 गेंद एक चौका और 11 छक्के की तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा। 203 रन के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम के ओपनर वॉटसन ताबड़तोड़ शुरुआत दी। इस दौरान शेन वॉटसन 42, अंबाती रायड्डू 39, सुरेश रैना 14 और धोनी 28 आउट होने वाले बल्लेबाज रहे। चेन्नई को जब आखिरी दो ओवरों में जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी तब 19वें ओवर की पहली गेंद पर बिलिंग्स ने अपना 50 पूरा किया। दूसरी बॉल खेलने आए जडेजा ने सिंगल ले बिलिंग्स को स्ट्राइक पर भेजा। तीसरी गेंद पर बिलिंग्स ने जोरदार छक्का जड़ मैच को जीवित रखा। चौथी गेंद पर बिलिंग्स ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। उन्होंने 56 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच में हीरो ब्रावो ओवर की पांचवी गेंद पर जडेजा से ब्रावो को सिंगल दिया। ब्रावो ने सिंगल लिया। आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक अपने पास रखी। आखिरी ओवर चेन्नई को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। बॉल फेंकने आए विनय कुमार और सामने थे ब्रावो। विनय की पहली ही गेंद नो पर ब्रावो ने एक जोरदार छक्का जड़ा। विनय की दूसरी गेंद पर ब्रावो ने 2 रन लिए जो कि फ्री हिट थी। विनय की तीसरी गेंद वाइड हो गई। अब चेन्नई को जीत के लिए 4 गेंदों पर 6 रन की दरकार थी। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लेकर ब्रावो को स्ट्राइक दी। अब 3 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर ब्रावो भी सिंगल ही ले पाए। अब चेन्नई को 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और जडेजा ने छक्का जड़ मैच चेन्नई के नाम कर दिया। इससे पहले धोनी के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए केकेआर को क्रिस लिन और सुनील नरेन की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी। नरेन 12 रन 4 गेंद 2 छक्के के आउट होने के बाद लिन ने उथप्पा के साथ स्कोर को तेजी से बढ़ाया लेकिन इसके बाद एक समय ऐसा आया जब 10 ओवर तक केकेआर के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि इसके बाद रसेल की तूफानी पारी ने चेन्नई के सभी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। कोलकाता के लिए रॉबिन उथप्पा ने 29 और कप्तान दिनेश कार्तिक ने 26 रन की पारी खेली। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।